वेल हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू चूज सीपीयू, या फिर ये कह सकते हैं कि एक सीपीयू और प्रोसेसर को किस तरीके से जो है हमें परचेस करना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए और चूज करने चाहिए अपने पर्सनल कंप्यूटर के लिए। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बने रहिएगा मेरे साथ में। मेरा नाम है चंदन झा और आप इस वक्त देख रहे हैं झा टेक्नो। और हाँ, पहली बार अगर मेरे चैनल पर आएँ या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट मैं अपने चैनल पर अक्सर अपलोड करता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, देरी किस बात की, फटाफट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वेल फ्रेंड्स, तो वीडियो के डिटेल में जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बात साफ साफ क्लियर कह देना चाहता हूं कि यहां पे किसी भी प्रोसेसर को परचेस करना या सीपीयू को चूज करना काफी हार्ड भी है तो काफी आसान भी है। आसान उनके लिए है जो आईटी के सेक्टर के जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी आसान होता है, क्योंकि आईटी सेक्टर के बंदे ऑलरेडी कंप्यूटर के डिपार्टमेंट में काफ़ी कुछ उसे नॉलेज रहता है, काफ़ी कुछ जानते हैं। फ्रेंड्स, तो अगर आप आईटी सेक्टर के बंदे हैं और आप कंप्यूटर के काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, जानकार हैं, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा कि आखिर किस तरीके से जो है एक सीपीयू को परचेस करना चाहिए, एक बेस्ट और बेस्ट वे या बेस्ट तरीका कौन सा होता है सीपीयू परचेस करने का। बट अगर आप कंप्यूटर के बेसिक्स को जानते हैं, थोड़े बहुत कंप्यूटर का नॉलेज रखते हैं, ज़्यादा नहीं, एक्सपर्ट लेवल के नहीं हैं आपके पास नॉलेज, बट थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं आप, बट आप जानना चाहते हैं कि अपने पीसी के लिए कौन सा बेस्ट प्रोसेसर होगा, सीपीयू होगा, तो फ्रेंड्स ये वाला जो वीडियो है ये आपके लिए ही है। और इस वीडियो को जो है आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा काफ़ी आसान से आसान और इजी तरीके से आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर बेस्ट प्रोसेसर आपके पर्सनल कंप्यूटर के लिए कौन सा हो सकता है, उसको चूज़ किस तरीके से किया जाए, कौन से वेज हैं जिसको ध्यान में रख के हमें अपने प्रोसेसर को जो है वो सेलेक्ट करना चाहिए। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्रोसेसर को जो आप जब कोई प्रोसेसर परचेस करते हैं या फिर आप सेलेक्ट करते रहते हैं तो यहाँ पर 4 या 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। फ्रेंड्स, 4 या 5 पॉइंट्स होते हैं, उनमें से सबसे जो पहला पॉइंट आ जाता है फ्रेंड्स वो आ जाता है हमारा बजट और नीड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग इस चीज़ को मानते हैं कि कुछ लोग जो है बजट को जो है ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कुछ लोग जो है नीड्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट मैं जो है बजट और नीड्स को एक जुड़े से आपस में जो है ना जुड़ा हुआ ही मानता हूँ, क्योंकि बजट और नीड एक साथ में लेके चलता हूँ। मेरी ये थिंकिंग है, मेरा जो ओपिनियन है वो यही है, क्योंकि देखिए अक्सर ये होता है कि आप अगर बजट और नीड को अलग अलग लेके चलते हैं तो पता चलता है बाद में बजट अलग हो गया और नीड्स कुछ और ही हो गया आपके। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो है मैं दोनों को साथ में लेके चलता हूँ और साथ के साथ में जो है मैं बजट से ज़्यादा नीड्स को ज़्यादा ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे नीड जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है बजट को देखते हुए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर मैं बजट से ज़्यादा नीड्स को क्यों प्रेफर करता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए आप एक एनिमेटर है या फिर एक आप ग्राफिक्स डिज़ाइनर है या फिर आप एक वीडियो एडिटर है, तो आप इस टाइप के सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे जो इस टाइप के जो आपके काम हैं इसके लिए डिज़ाइन किया रहता है। तो इस टाइप के काम के लिए जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं और इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स जो है काफ़ी ज़्यादा इस काम के लिए काफ़ी ज़्यादा कोर्स और काफ़ी ज़्यादा थ्रीड्स की रिक्वायरमेंट होती है इस टाइप के काम को करने के लिए। फ्रेंड्स, तो अगर आप एनिमेटर है तो फिर आपको इस टाइप का एक प्रोसेसर चाहिए होगा जिसमें कोर्स ज़्यादा हो, थ्रीड्स ज़्यादा हो। बट आपका अगर बजट मान लीजिए कि आपका जो बजट है वो काफ़ी कम है, अब इस टाइप के प्रोसेसर आपको 50,000-60,000 में मिलेगा, उससे कम तो मिलना मुश्किल है, ज़्यादा कोर्स और ज़्यादा थ्रीड्स वाले प्रोसेसर। बट आपका बजट जो है 35,000 या 40,000 रुपये का बजट है, उससे ज़्यादा का बजट नहीं है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे बजट जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपका होल कंप्यूटर जो है उन सब का बजट और एक होता है आपका प्रोसेसर का बजट। तो यहाँ पे मैं सिर्फ प्रोसेसर की बजट की बात कर रहा हूँ आपके सामने। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका बजट 35,000 या 40,000 रुपये है, बट आपकी नीड जो है वो 55,000-60,000 रुपए की प्रोसेसर की है, तो आपको लगता है कि यार मेरा बजट उतना नहीं है तो मैं जो है कि 40,000 रुपये तक वाला प्रोसेसर परचेस कर लेता हूँ, थोड़े कम कोर्स होंगे, थोड़े कम थ्रीड्स होंगे, चल जाएगा, बट मेरा जो है बजट उतना ज़्यादा नहीं है तो इस वक्त यही परचेस कर लेता हूँ। हाँ, कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि काम आपका रुकेगा नहीं, काम उस पर भी आपका होगा, बट यहाँ पे दिक्कत कब आएगी, तब आएगी दिक्कत जब आप अपने काम को करेंगे यहाँ पे। फ्रेंड्स, तो जहाँ पे आप जब एनिमेटर है या फिर वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं, तो जो काम आपका ज़्यादा कोर्स ज़्यादा थ्रीड्स वाले प्रोसेसर में आपका आधे घंटे में हो जाएगा
जाएगा, वही काम आपका इस प्रोसेसर में, बजट वाले रेंज वाले जो प्रोसेसर आपने परचेस किया है उसमें जो है आपका 1 से 1.5 घंटा लगेगा या फिर और भी ज़्यादा आपका लग सकता है, क्योंकि हैवी वर्क के लिए हैवी प्रोसेसर आते हैं आपके, हैवी सॉफ्टवेयर आते हैं, उसको जो है काफ़ी कोर्स और काफ़ी थ्रेड्स की रिक्वायरमेंट रहती है, फ्रिक्वेंसी की थोड़ी कम रहती है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो उस टाइम आपको ऐसा लगेगा कि यार गलती कर दी मैंने, मेरे को जो है उसी टाइम जो है वो वाला प्रोसेसर परचेस करना चाहिए था जिसका कोर्स और थ्रेड्स जो है ज़्यादा है, इस प्रोसेसर को परचेस नहीं करना चाहिए था। फिर आप दोबारा वही वाला प्रोसेसर परचेस करेंगे जो 55-60 हज़ार रुपये के ज़्यादा कोर्स और थ्रेड के साथ में आएगा, तो ये वाला प्रोसेसर भी आपका बेकार गया और आपका जो है डबल खर्चा भी हो गया, टाइम भी वेस्ट हो गया फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए, मैं आपको नीड्स को ज़्यादा प्रेफर इसलिए करता हूँ कि अगर मान लीजिए कि आप एक पूरा कंप्यूटर बना रहे हैं तो उसमें कंप्यूटर में और भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे केज हो गए, जैसे स्टोरेज वगैरह हो गए, तो आपका जो प्रोसेसर है उसको मैं यही कहूँगा कि जो आपकी नीड्स है नीड को फुलफिल करने वाला ही प्रोसेसर परचेस कीजिए। थोड़ा बहुत जो है प्राइस में अगर आपको लगता है कि मुझे दिक्कत हो रही है तो आप स्टोरेज में थोड़ा कम कर लीजिए, केज वगैरह होते हैं या अदर कंपोनेंट्स होते हैं उसमें कम कर लीजिए आप, बट प्रोसेसर वही परचेस कीजिए जो आपके नीड्स को, आपके काम को कंप्लीट कर सके उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर में फ्रेंड्स। बाद में आप स्टोरेज को भी अपग्रेड कर सकते हैं, अदर पार्ट्स को भी अपग्रेड कर सकते हैं इजिली, बट प्रोसेसर में जो है ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे नीड्स को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ फ्रेंड्स, मैं बजट और नीड्स के अंदर में देखा जाए तो यहाँ पे आप बजट और नीड को जो है पूरी तरीके से क्लियर कर लीजिएगा, पहला पॉइंट तो यही आ जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद आ जाता है कि भाई कौन सा प्रोसेसर हमें परचेस करना चाहिए, ज़्यादा कोर्स वाले या ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाला प्रोसेसर। अब वही बात आ गई फ्रेंड्स, इससे पहले जो मैं आपसे बता रहा था कि आखिर नीड्स क्या है, अब यहाँ पे ज़रूरत आपकी क्या है, नीड्स क्या है, उसको आपको माइंड में लेके चलना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे कोर्स वाले ज़्यादा चाहिए या फिर हमें फ्रिक्वेंसी ज़्यादा चाहिए प्रोसेसर के अंदर। अब देखिए यहाँ पे 3 टाइप के काम होते हैं, यहाँ पे आप एक नॉर्मल डे टू डे यूज के लिए, आप नॉर्मल जो काम होता है घर पे या थोड़े बहुत काम होते हैं, वीडियो सर्फिंग वगैरह, वीडियो वगैरह वॉच करते हैं, ब्राउजिंग वगैरह करते हैं, नॉर्मल कामों के लिए जो है ज़्यादा कोर्स और ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज के जो प्रोसेसर होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती। ड्यूल कोर या क्वाड कोर प्रोसेसर काफ़ी होता है इस टाइप के काम के लिए, 3.5 GHz से 4.2-4.3 GHz तक के जो प्रोसेसर्स होते हैं वो ईजिली इस टास्क को ईजिली कर लेते हैं। तो अगर आपका नॉर्मल काम है, डे टू डे वाला काम है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप एक ड्यूल कोर या 4 कोर वाले जो है प्रोसेसर परचेस कर सकते हैं, थोड़ी बहुत फ्रीक्वेंसी जो है 4.1, 4.2, 4.3 GHz की फ्रीक्वेंसी वाला भी प्रोसेसर आपका ये काम इजीली कर देगा। बट वहीं पर अगर मान लीजिए आप एक हार्ड कोर गेमर है, मिड रेंज वाले सेगमेंट के जो कि हार्ड कोर गेमर है, गेमिंग काफ़ी अच्छा आप करते हैं, मतलब गेमिंग आपको करना है अपने कंप्यूटर के ऊपर में, साथ के साथ में थोड़े बहुत अदर टास्क जो होते हैं जैसे कि एडिटिंग वगैरह, वीडियो रेंडिंग वगैरह आप करना चाहते हैं, अदर सर्फिंग वगैरह, ब्राउजिंग वगैरह, मल्टीटास्किंग जो आप काम करना चाहते हैं, तो इस टाइप का जो प्रोसेसर होता है, इस टाइप के प्रोसेसर में आपको कोर्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, इस टाइप के प्रोसेसर में आपको फ्रीक्वेंसी जो है प्रोसेसर की वो ज़्यादा मायने रखती है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे कोर्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं, फ्रीक्वेंसी आपके प्रोसेसर का जो स्पीड है वो कितना है वो ज़्यादा मायने रखता है। तो अगर आप इस टाइप के अगर कस्टमर है या फिर इस टाइप के लोग हैं जो गेमिंग के लिए या फिर मल्टीटास्किंग के लिए ये जो प्रोसेसर होता है फ्रेंड्स और ये जो काम होते हैं ये एक स्वीट सेगमेंट होता है, स्वीट स्पॉट होता है, यानी कि इस टाइप के जो प्रोसेसर होते हैं वो आपके हर एक काम को करने में सक्षम होते हैं, भले थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा पर हर एक काम को करने में, आप इस पर गेमिंग भी अच्छा कर सकते हैं, अदर वीडियो एडिटिंग वगैरह के टास्क, 3D रेंडरिंग वगैरह, एनिमेशन वगैरह, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, इस सब पे कर सकते हैं आप, बट थोड़े टाइम लेता है इसमें, बट काम सारे करता है। तो इस टाइप के जो फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा होती है वो प्रोसेसर आपके लिए काफ़ी सुटेबल होगा अगर आप वीडियो गेम वगैरह खेलते हैं और मल्टीटास्किंग का काम करते हैं। तो इस टाइप के काम के लिए आप हमेशा ये चूज़ कीजिए कि अगर आपका कोर जो है 4 की जगह पे 6, मतलब आप 12 कोर 16 कोर में नहीं जाते, आपके पास 6 कोर ही है या 8 कोर ही है बट इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यानी कि 4.3 GHz, 4.5 GHz से लेकर 5 GHz तक की स्पीड वाला फ्रीक्वेंसी वाला अगर आप रैम परचेस वो प्रोसेसर परचेस करते हैं तो वो आपके लिए काफी ज्यादा सुटेबल होगा फ्रेंड्स। वहीं पर अगर मान लीजिए आप एक प्रोफेशनल लेवल के जो है वो वीडियो क्रिएटर हैं, वीडियो एडिटर हैं या फिर 3D एनिमेशन वगैरह आप करते हैं, ग्राफिक्स डिजाइनिंग वगैरह करते हैं, VFX वगैरह का काम करते हैं, मतलब ऐसे काम जो काफ़ी ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर के ऊपर किया जाता है, इस टाइप के सॉफ्टवेयर जो काफ़ी कोर्स और काफ़ी ज़्यादा थ्रेड की उनको रिक्वायरमेंट होती है, तो इस टाइप का जो प्रोफेशनल लेवल का अगर आप काम करते हो तो यहाँ पर आपको ऐसा प्रोसेसर चाहिए होता है जिसकी
फ्रीक्वेंसी कम हो चल जाएगी, बट उसके अंदर कोर्स और थीर्स ज़्यादा होना चाहिए। जितने ज़्यादा कोर्स और जितने ज़्यादा थीर्स होंगे उतनी ही जल्दी और उतना ही फास्ट आपका काम वो कंप्लीट होगा। 12 कोर ले लीजिए, 16 कोर ले लीजिए, 22, 24 कोर, 32 कोर, इससे भी ज़्यादा इन फ्यूचर में आने वाले। तो जितने ज़्यादा कोर्स और थीर्स के साथ में आप प्रोसेसर परचेस करेंगे उतना ही जल्दी आपका काम वो निपटेगा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस सेगमेंट में हैं। आप नॉर्मल डे टू डे के लिए आप पीसीए बिल्ड कर रहे हैं, या आप मिड रेंज, मतलब कि आप एक गेमर हैं और मल्टीटास्किंग के लिए आप कर रहे हैं, या फिर आप एक प्रोफेशनल लेवल के हाई लेवल के वीडियो एडिटर। तो यहाँ पे अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाता है कि आपको किस काम के लिए चाहिए, तो उस टाइप की फ्रिक्वेंसी। तो आप नॉर्मल के लिए 12 कोर 4 कोर के साथ में ले सकते हैं। आपको अगर गेमिंग वगैरह करना है, मल्टीटास्किंग करना है, तो 6 कोर 8 कोर्स के साथ में आप हाई फ्रिक्वेंसी वाला जो है प्रोसेसर परचेस कर सकते हैं। वहीं पर आप अगर वीडियो एडिटर या अदर काम करते हैं, हैवी टास्क वगैरह वीडियो एडिटिंग का या फिर एनिमेशन वगैरह का, तो आप ज़्यादा ज़्यादा कोर्स वाले जो है प्रोसेसर आते हैं उसमें अगर आपको जो है थोड़ी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा मिल जाती तो और भी अच्छी बात हो जाती। तो इस टाइप का जो है प्रोसेसर आपको जो है वो चूज़ करना पड़ेगा फ्रेंड्स। वहीं पर अब आ जाते हैं फ्रेंड्स, इसके थर्ड जो पार्ट आ जाता है वो कौन से जनरेशन का प्रोसेसर हमें परचेस करना चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पे जनरेशन के मतलब ये है कि आपको लेटेस्ट करना चाहिए या पीछे के प्रोसेसर्स को परचेस करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ऑलवेज जो है ऑलवेज मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी कोई प्रोसेसर परचेस करते हैं तो हमेशा लेटेस्ट जनरेशन का ही प्रोसेसर परचेस कीजिए। कभी कभार कोई कोई केस ऐसा होता है जिसमें आपको एक जनरेशन पीछे का या दो जनरेशन के पीछे के जो प्रोसेसर हैं उसके जो फ्रिक्वेंसीज हैं और आपका जो कोर्स हैं वो भी सेम मिल जाते हैं, बट प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा कम मिल जाता है। बट कई बहुत सारे बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है फ्रेंड्स, लेकिन ऑलवेज जो है ज़्यादातर केसेस में आपको लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर ही काफ़ी काम आएगा। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि हमें कंप्यूटर का ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, हम ऑफलाइन मार्केट में रिटेलर्स वगैरह के पास, शॉपकीपर्स के पास जाते हैं, हमको पता है कि भाई सिर्फ जो है i3 होता है, i5 होता है, i7 होता है। तो आपको कंपनी जो है वो शॉपकीपर जो है वो बोलेगा कि i7 प्रोसेसर मैं आपको दे रहा हूँ, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, बट आपको पता नहीं रहता कि i7 कौन से जनरेशन का दे रहा है। इंटेल में कई सारे जनरेशन आ जाते हैं i3 i5 i7 के अंदर में, तो यहाँ पे आपको i7 बोल के वो थर्ड जनरेशन का फोर्थ जनरेशन का प्रोसेसर दे देता है, बट आपका प्राइसिंग जो है आपको फर्स्ट जनरेशन वो लेटेस्ट जनरेशन वाला ले लेता, तो यहाँ पे आप एक तरह से जो है ना बेवकूफ सा बन जाते हैं उनके सामने। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है। साथ में आपको जो है मैं इसलिए बोल रहा हूँ लेटेस्ट जनरेशन का लेने के लिए कि देखिए कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो लेटेस्ट जनरेशन के प्रोसेसर को ही सपोर्ट आप करते हैं। आप आज के टाइम में 2019 के अंदर में अगर आप आज के टाइम में देखेंगे तो इंटेल की तरफ से आपको जो है 9th जनरेशन आ गया है, लॉन्च हो गया है, काफ़ी टाइम से चल रहा है। 9th जनरेशन का आप परचेस करेंगे तो इन फ्यूचर में 4-5 साल तक जो है आप जो है इस प्रोसेसर को इजिली किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ में इसको यूज कर सकते हो, इजिली आपका चल जाएगा फ्रेंड्स। अगर आप बैक जनरेशन का या 2-3 साल पुराना वाला परचेस करते हो तो इसके में क्या होता है, काम तो आपका करता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलेंगे जो पीछे के जनरेशन के जो प्रोसेसर हैं उसको सपोर्ट नहीं करता है। तो मान लीजिए कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसपे आपको काम करना है, बट उसको आपको चेक करना हो, जरूर चेक कर लीजिएगा कि वो प्रोसेसर, वो सॉफ्टवेयर आपके इस प्रोसेसर को जो आप परचेस करने वाले हैं इसको सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। तो हमेशा मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है लेटेस्ट जनरेशन के प्रोसेसर पे ही जाइए, फ्यूचरिस्टिक होता है, फ्यूचर में आपको 4-5 साल तक कुछ और दिक्कत आने की जो है प्रॉब्लम वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है फ्रेंड्स। तो आप जो है लेटेस्ट जनरेशन में ही जाइएगा, अक्सर थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा चलेगा, बट वो वैल्यू फॉर मनी होता है फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स चौथे पॉइंट के ऊपर में। तो यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है वो आ जाता है, आप अपने प्रोसेसर को ओवरक्लॉक करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको प्रोसेसर में ओवरक्लॉकिंग आती है फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको ओवरक्लॉकिंग आती है तभी जो है आप ओवरक्लॉक कीजिएगा अपने प्रोसेसर को, अदरवाइज़ आप बिल्कुल भी उसको छीरिएगा मत, क्योंकि ओवरक्लॉकिंग जहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है तो वहीं पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी आपके सिस्टम को दे सकता है, आपके प्रोसेसर को दे सकता है फ्रेंड्स। तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपको ओवरक्लॉकिंग नहीं आती तो पहले आप सीखिए उस लोगों के साथ रह के जिनको ओवरक्लॉकिंग करनी आती है, उनके साथ रह के उसे सीखिए, उसके बाद जो है मैनुअली प्रैक्टिकली अपने प्रोसेसर के साथ में उसको इस्तेमाल कीजिए फ्रेंड्स। अब यहाँ पे अगर आपको ओवरक्लॉकिंग करनी है या नहीं करनी, दोनों आ जाता है। अगर आपको ओवरक्लॉकिंग नहीं करनी
तो भी मैं आपको बोलूँगा कि आप देखेगा कि भाई आप ऐसा प्रोसेसर परचेस कीजिए जो ओवरक्लॉकेबल होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको अभी इन फ्यूचर में मान लीजिए कि आपको ओवरक्लॉकिंग नहीं आती या फिर नहीं करनी है, बट मे भी अगर आप ऐसा प्रोसेसर परचेस करते हैं जिसको आप ओवरक्लॉक कर सकते हैं तो वो इन फ्यूचर में आपको जब मन करेगा करने का तो आप उसको कर सकते हैं, बट आप ऐसा प्रोसेसर परचेस करें जो ओवरक्लॉकेबल नहीं है तो उसको बाद में आप ओवरक्लॉक नहीं कर सकते। हाँ, अगर प्राइसिंग ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, तो प्राइसिंग में अगर ज़्यादा डिफरेंसेस है तो आपको अगर ओवरक्लॉकिंग नहीं करनी आती, नहीं करना चाहते, तो आप वही प्रोसेसर परचेस कीजिए जो ओवरक्लॉकेबल नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन अगर प्राइसिंग में बहुत ही मार्जिनली डिफरेंसेस हैं, 2-3 या 4 हज़ार का अगर डिफरेंसेस आते हैं बट आपको ओवरक्लॉक करना आता है या नहीं आता, तब भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसा प्रोसेसर परचेस कीजिए जिसको आप ओवरक्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि 3-4 हज़ार रुपये में आपको एक ऐसा प्रोसेसर मिल जाएगा कि इन फ्यूचर में आप उसको करना चाहें ओवरक्लॉक तो आप उसको कर सकते हैं। तो इस चीज़ का माइंड में लेके चलिएगा कि आपको ओवरक्लॉक करना है कि नहीं करना है। अब आते हैं पाँचवें पॉइंट के ऊपर फ्रेंड्स, और जो कि पाँचवा पॉइंट है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, वो आ जाता है कंपैटिबिलिटी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे कंपैटिबिलिटी को जो है ऑलवेज चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, कोई भी कंप्यूटर आप बिल्ड करते हैं तो यहाँ पे तीन चीज़ जो है आपस में ऑलवेज कंपैटिबल होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला प्रोसेसर, रैम और मदरबोर्ड, ये तीनों जो चीज़ें हैं ये आपस में एक दूसरे से कंपैटिबल होना चाहिए। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा फ्रेंड्स कि आप जो भी प्रोडक्ट आप अपने कंप्यूटर को बिल्ड करने के लिए परचेस कर रहे हैं वो आपके प्रोसेसर के साथ में कंपैटिबल है या नहीं है, या फिर जो प्रोसेसर आप परचेस कर रहे हैं वो आपके मदरबोर्ड और रैम के साथ में कंपैटिबल है या नहीं है, इस चीज़ को देख लीजिएगा। अक्सर क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए मार्केट में इस वक्त दो ही जो है आपके ब्रांड्स हैं, एक तो आ जाता है इंटेल, एक आ जाता है एएमडी। अब इंटेल के साथ में ये दिक्कत है कि इंटेल अक्सर जो है, इसके ज़्यादातर केस में ये देखा है कि अक्सर जब भी कोई लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर ये मार्केट में लॉन्च करता है तो ये ऑलवेज जो है इसका चिपसेट चेंज हो जाता है, ऑलवेज जो है इनका जो है सॉकेट चेंज हो जाता है मदरबोर्ड का, तो इस वजह से जो है ना कंपैटिबिलिटी में अक्सर इश्यू आते हैं। वहीं पे अगर आप देखेंगे एएमडी में, तो एएमडी ऑलवेज जो है, या ज़्यादातर केसेस में एएमडी देखेंगे तो बैकवर्ड कंपैटिबल होता है इनके प्रोसेसर, कुछ भी लॉन्च करते हैं। अब जैसे कि थर्ड जनरेशन इन्होंने हाल फिलहाल 2019 में लॉन्च किया, तो ये भी AM4 सॉकेट के साथ में आ जाता है, यानी कि बैकवर्ड कंपैटिबल आपका जो है ये आपका प्रोसेसर होता है। तो इस चीज़ को, कंपैटिबिलिटी को चेक कर लीजिए, अगर कंपैटिबिलिटी में कहीं इशू आएगी तो फिर आपका वो प्रोसेसर जो है वो काम का नहीं रहेगा, क्योंकि आपको जो है वो आपके मदरबोर्ड में सेट नहीं बैठेगा फ्रेंड्स। तो देखिएगा कि आप जो प्रोसेसर परचेस कर रहे हैं वो कौन से सॉकेट को जो है वो सपोर्ट करता है, कौन से चिपसेट को वो सपोर्ट करता है, चाहे वो इंटेल से हो चाहे वो एएमडी से हो फ्रेंड्स। तो कंपैटिबिलिटी को जो है आप जरूर ध्यान में रख के चलिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आ जाता है टीडीपी। टीडीपी में यानी कि आपका जो प्रोसेसर है वो कितना हीट जनरेट करता है एक टाइम में, आप उसको प्रोसेसर को आप जब ओवरलोड करते हैं या एकदम हाई फ्रिक्वेंसी पे उसको ऑपरेट करते हैं तो वो मैक्सिमम कितना ज़्यादा से ज़्यादा हीट को जो है जनरेट। अक्सर आप देखेंगे तो ये वॉटेज में जो है वो कैलकुलेट होता है। आप देखेंगे तो कोई प्रोसेसर पे 60 वॉट TDP होगा, किसी पे 65 वॉट TDP होगा, किसी पे 95 वॉट TDP होगा, किसी पे 105 वॉट TDP होगा, तो इस टाइप के TDP मेंशन हो। ये होता है कि ये 105 वॉट तक का अगर होता है तो 105 वॉट, 60 वॉट का होता है 60 वॉट, ये मैक्सिमम जो है हीट जनरेट करता है वो ये दिखाता है। तो आप कोई भी आप प्रोसेसर परचेस करते हैं जिसका आपको TDP पता है तो आप एक ऐसा कूलर परचेस कीजिए जो उतने TDP उतने वॉट का जो है आपके जो हीट है उसको जो है वो आपका ख़त्म कर सके, कूल कर सके। तो इसको जो है ज़रूर देख लीजिएगा कि जितने वॉट के TDP वाला आप प्रोसेसर परचेज कर रहे हैं उतने वॉट के TDP को मेंटेन करने के लिए उस टाइप का जो है CPU कूलर भी आपको परचेस करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो यही जो थे 4-5 पॉइंट्स थे फ्रेंड्स जिसको आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा अगर आप कोई प्रोसेसर परचेस कर रहे हैं या चूज करने की कोशिश कर रहे हैं। इन 5-6 पॉइंट का अगर आप ध्यान में लेके चलेंगे काफ़ी बारीकी से तो आप जो भी प्रोसेसर आप चूज करेंगे वो काफ़ी सही डिसीजन होगा आपका, काफ़ी बेस्ट आपका जो है वो प्रोसेसर होगा आपके PC के लिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ मेरा ये लेक्चर हो, ये जो भाषण है ये आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोबारा मुलाकात होगी आपसे इसी टाइप के किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।